अगर हम सड़क पे जाएं कोई मकई बेच रहा है जी वो कभी इस चीज़ का नहीं सोचेगा वेर एज उजैर के पॉडकास्ट उमकास्ट अबाउट वो इंडिया गए पानीपुड़ी वाला yeah. उसका क्यू आर कोड लगा हुआ है कैश नहीं हो रहा लोग लाइक like, चलते हुए स्कैन yeah. कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है वो बताता है ट्वेंटी फाइव रुपीज ताकि वो रुके भी ना या सो इज दिस जस्ट एन अवेयरनेस प्रॉब्लम इज इट अ विल प्रॉब्लम कि जो अनबैंक सेक्टर की आप बात कर रहे हैं ये क्यों नहीं हो सकता कि यार वो सड़क पे मूंगफली बेच रहा है उसके पास क्यूआर कोड कोड स्टॉपिंग अस फ्रॉम दैट दैट अचीविंग नो आई थिंक इट्स जस्ट वंस यू मेक दिस इस वक्त तो मुझे hmm. आपको जी नहीं पता रास्ट क्या होता है तो hmm. कहां से इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल होना है मेक इट रियली पेनलेस फॉर पीपल टू यूज और अगर लोग वाकई अपने कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज ऑलरेडी डिजिटल सो देर फॉर द डिमांड सेट वुड भी देयर ऑल्सो सो द इंसेंटिडी कि अगर मेरी चीज़ें ज्यादा बिकनी शुरू हो गई क्योंकि अब मैंने ऐसा मैगजिम लगा दिया कि लोग आसानी से पे कर सकते हैं और उनको कोई ऊपर ओवर नहीं पड़ेगा मुझे पे करने के लिए और जो पैसे आ रहे हैं वो डिजिटल आ रहे हैं hmm. उस डिजिटल की मुझे इंटरेस्ट पे होगी या जो भी उसका इस्लामिक वेरियंट है एंड सो ऑन सो दे वुड बेनिफिट फ्राम दिस सेविंग्स हैं उसकी देखिए जब आप किसी को बैंक बनाते हैं hmm. तो वो तो आप उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बना देते हैं ही कैन नाउ सेव मनी ही कैन टेक लोन्स

रुपये ने पैसे ने है, हैंड चेंज करने बंद कर दिए एंड इट बिकेम डिजिटल एंड बिकॉज एवरी मर्चेंट नाउ हैड अ क्यू आर कोड वो खाडी के पास भी आ गया वो पेट्रोल पम्प में भी आ गया वो रेडी वाले के पास भी आ गया सो so आपकी जो डिजिटल लिक्विडिटी वो बढ़ गई अभी देखिए जैसे ईजी पैसा या जायज़ कैश है उसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन तो कैश इन कैश आउट है अब जाते हैं आप जाए कहते हैं यार सौ रुपया फलाम बंदे को भेजते हैं मैं उनको सौ रुपया देता हूँ पंद्रह मिनट के बाद वो सौ रुपया वहाँ से निकल जाता है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो पैसे की है वो तो सिर्फ प्लबिंग है जो कैश इन कैश आउट कर रही है उससे बहुत कम फ़ायदा है इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट दीज इंस्टिट्यूशन तो वो कोई उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं कर रहे सो so, बेनिफिट तब करेंगे जब ये पैसे उस सिस्टम में रहेंगे तो सिस्टम में तब रहेंगे जब वो डिजिटल पैसे डिजिटल लिक्विडिटी इस्तेमाल हो सके फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और तब होगी जब हर कोई उस डिजिटल लिक्विडिटी को इस्तेमाल कर सकेगा अगर वो एक पेट्रोल पे चलेगी दूसरे पे नहीं चलेगी तो तब तक इस्तेमाल नहीं हो इसी तरह जैसे आप अगर आज फैक्स मशीन लगा लें तो कोई फैक्स मशीन रिसीव करने वाला नहीं तो आप लगाएंगे नहीं सो इज इज नो नो नेटवर्क अफेक्ट राइट टेक्नोलॉजिकल दे बस ये है कि गवर्नमेंट थोड़ी मेहनत करे और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दे बस दैट्स ऑल वी नीड और वो भी एक्चुअली है ना आपका yeah. से कनेक्ट कर राइट नो आई थिंक जो मुश्किल काम था सर वो हो गया माइक्रो पेमेंट गेटवे सेटअप गेट वे से रास्ट आ गया है देर इज मोर एंड मोर डिस्कशन अराउंड हाउ टू डू इट क्यू आर वेंडर इंडिपेंडेंट हो गए आई थिंक देव डन सम बेसिक गुड वर्क नाउ दे रियली नीड टू मेक मतलब कितना वक्त लेगा सर मतलब अब मेयर आप बैठ के इस पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बात कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि यू नो इफ समी टुक दिस पेन ये करना है तो छ माह में हो जाएगा So in और, favor of और, और आप सोचेंगे उससे फायदा कितना बड़ा होगा ब्लैक इकॉनमी मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग यही इल्जाम लगते हैं ना पाकिस्तान पे फैटअप यही है राइट mm -hmm. right? तो ये तमाम चीज़ों का लॉन्ग टर्म और जो जो ड्यूरेबल हल है और जिससे आपकी फाइनली ये टैक्स इवेजन है ना बेनामी अकाउंट पैसे ये तमाम इसी तरह खत्म होगा क्या आप इकॉनमी को डिजिटाइज कर दें

And the reason for this is that you know you look at these big businesses, very little professionalism, because locally good domestic competition So generation after generation, they continue to work up. It's called sweat, or whatever. There are no systems they put in place. Look at the the Tata Empire. They get the smartest kid in the entire family to become to run Tata. It's not given in inheritance. India has uh, cooperative farms, which ये अमूल चलाता है अमूल जो है ना वहाँ पाकिस्तान में सिर्फ तीन फीसद डब्बे का दूध है बाकी खुला दूध है सिर्फ तीन फीसद है ना वो इसलिए क्योंकि डेरी फार्म तो नहीं है कि प्रोवाइड कर सकें दूध टू पैकेज मिल्क इसमें एक और इंटरेस्टिंग है अगर आप ये सड़क पर चले जाए जो भी है ये लोग इम्पोर्टेड पाम ऑयल यूज कर रहे होते हैं एज इंडिया में वो अमूल बटर यूज कर रहे होते हैं जो वो खुद बनाते हैं सो अब हम लिटरली जो रेडी पे बन के बना रहे जी वो डॉलर न्यूमरेटेड पाम ऑयल यूज कर रहे हैं औ, और और देखिए पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल टूथ टूथपिक भी आपको लोकली शायद ना मिले मुझे कल को रहा था कि दालें भी हमारी पता नहीं कैनाडा से पता नहीं किधर से आती हैं एंड आई डोंट थिंक कि हम कोई ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में बनाते हैं और अगर कोई बनाते भी हैं तो उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है सो so, ये जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है क्या पाकिस्तान ख़ुद से चीज़ें बनानी शुरू करे ये तो हंड्रेड परसेंट सर करने की जरूरत है इसलिए जहाँ कोई इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं की बल्कि इंडस्ट्री ओवर टाइम तो ये रोड हो गई पाकिस्तान की If you like the video do like comment share and subscribe